जयपुर में कार्यक्रम के बाद मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी की गारंटी और जो हमने संकल्प पत्र जो हमारा था उस संकल्प पत्र के बाद आज मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के तहत उज्ज्वला एवं अन्न परिवार की महिलाओं को 90 वर्ष से आने वाली 1 तारीख से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी होगी और गैस सिलेंडर 450 रुपए में आपको मिलेगा। इस योजना के तहत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा बहन की जाएगी और ये लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। आज मैं आपके बीच में ये पूरे राजस्थान के अंदर उन सभी बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और उसकी पूरी हस्तांतरित आपके खातों में की जाएगी। यही नहीं मित्रों, जो हमारा घोषणा पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है, हम उस संकल्प पत्र के आधार पर राजस्थान की सेवा करेंगे, राजस्थान के जनता की सेवा करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं जिस तरह से युवाओं के साथ जो धोखा दिया था, युवाओं को जिस तरह से 19 में से 17 पेपर इन्होंने लीक करने का काम किया, उनको सजा मिलेगी, हर कीमत पर मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो खोटे काम किए हैं उन खोटे कामों का भी इलाज होगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का पैसा है। अगर किसी ने खाया है तो वो निकालना पड़ेगा और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ महिला सुरक्षा हमारा पहला काम है। देखिए, संदेश तो बहुत सीधा सा संदेश है, राजस्थान में बदलाव हो चुका है और राजस्थान के लोग प्रगति की ओर अग्रसर रहेंगे। सुशासन आ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गैस की जो बात करी 450 रुपये की, इतनी अच्छी बात है महिलाओं के लिए, खास करके जो गांव में रह रही हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बात भी उन्होंने कही कि जिन्होंने पेपर लीक किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ जो लोग राजस्थान के पैसे को लेकर के बटोर रहे थे या इसको उल्टा सीधा इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से और पूरे लोग खुश हैं इस बात से। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, जो बातें हैं, जो विजन है, जब गांव के आखिरी आदमी के पास पहुंचती है तो वो भी प्रफुल्लित होता है और उसको भी फ़ायदा मिलता है। ये अच्छी बात है और हम उसको और आपके माध्यम से ये और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के हर एक व्यक्ति के लिए कि जहाँ जहाँ हमारे विकसित भारत यात्रा जा रही है वहाँ पहुँचें और अपने लाभ, अपने सारे लाभ लें। कानून और महिला अपराधों को लेकर उन्होंने कहा कि वो पहले वाला राजस्थान नहीं है। बिल्कुल, पहले वाला राजस्थान है नहीं और आप देखते जाइएगा क्या क्या होता है, आगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सर, उन्होंने अपने जो पेपर लीक हुए उनको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होगी, आप देखते जाइएगा ना, अभी तो उन्होंने कहा है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखो, सबसे बड़ी तो जो जिस तरह से हमने हमारे बजट को संकल्प पत्र में हमने जो किया था कि सिलेंडर हमारा 450 मिलना चाहिए, 1 जनवरी से हमारा 450 रुपये के अंदर महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को सिलेंडर मिलेगा। और सबसे बड़ी जो हमारी जो मांग है ERCP, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत जल्दी उसके ऊपर हमारा निर्णय करने है। सरकार की वजह से, कोई कागज़ की कमी की वजह से रुकी पड़ी थी, बहुत जल्दी उस पर भी क्रियान्वित होने वाली है। आने वाले महीने 2 महीने में ERCP बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, जो विशेषकर राजस्थान की धरती के लिए, जहाँ पानी की कमी है, खेत में पानी नहीं है, पीने का पानी की कमी है, अभी भी घर घर कनेक्शन पूरा करने के बाद में भी, क्योंकि पानी जो लोकल सोर्स है वो कहीं ना कहीं फ्लोराइड युक्त है, अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं मिल रहा है, कि जब तक ERCP पूरी नहीं होगी, वो पानी की कमी नहीं होगी, तो बहुत जल्दी वो काम भी होने वाला है। क्या उम्मीदें हैं, आप ये जो मांगे रखी है सीएम साहब को पूरा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि कोई भी वही मांग करता है जो करने लायक हो, और हमें पहले ही ये पता रहता है कि आज हमारे SOC मुख्यमंत्री जी ये करेंगे, वही हम मांग करते हैं जो 100% पूरी होगी।